बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बी शराह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? आज जुम्मे का दिन, बहुत मुबारक दिन। वंस अगेन लेट स्टार्ट विद अ दुआ। मे अल्लाह सुब्हान व तआला ब्लेस यू, मे अल्लाह सुब्हान व तआला ब्लेस योर फैमिलीज, मे अल्लाह सुब्हान व तआला give you best of both worlds, and may all the coming days after this Friday be prove to be blessed for all of you, prove to be productive for all of you. Jazakallah khair for joining in. As you know, this is our weekly class titled Carving Gems, in which we will be talking about personality grooming from an Islamic perspective and from a psychological perspective as well. So as you know ke hum डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं जो हेल्प आउट करें हमें और आप सबको विद रिगार्ड्स टू आवर पर्सनालिटी एंड विद रिगार्ड्स टू ग्रूमिंग ऑफ आवर पर्सनालिटी। एंड वी बीन डिस्कसिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग ग्रो करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने वर्क प्लेस में, अपने किसी भी बिजनेस अगर आप कोई कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, सो यू नीड टू हैव अ हाई इमोशनल कोशेंट। इस पे मजीद अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक है डैनियल गोलमैन की, यू कैन टेक अ होल्ड ऑफ इट। ऑल दो मैंने उसकी मेन मेन बातें आपसे इन दो लेक्चर्स में कर ली हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि वट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ पीपल विद अ वेरी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, so we discussed some 13 to 14 signs last lecture mein. Last lecture was supposed to be on self awareness and self esteem and confidence, but since emotional intelligence ka topic bahut important tha to isliye maine uske khas do lectures rakhe the. So we have also discussed time management, we have also discussed how to change habits and create new habits, we have also discussed focus management, we have also discussed self control, all from an Islamic and psychological perspective. I hope aap logon ko bahut is cheez ne help out kiya hoga. Acha, aaj jo topic hai, as you know title se ki main baat karne wala hu self awareness pe, self esteem pe aur confidence ke upar. Dekhe, zindagi mein bahut si aisi situations aati hain jab hame rejection se deal karna padta hai, hame failure se deal karna padta hai, हमें जो है वो चीज नहीं मिलती जिसकी हमें तमन्ना हो या जो चीज के लिए हम ड्रीम कर रहे हो। सो यू डोंट ऑलवेज गेट व्हाट यू वांट इन लाइफ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, पीपल विल रिजेक्ट यू, एंड मे बी सिंपली अगर मैं एग्जांपल आपको दूं कि सपोज कर ले कि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और आपकी प्रेजेंटेशन आ गई है, आप प्रेजेंटेशन देने से पहले जाहिर है कि एक वो नर्वसनेस भी होगी, एंग्जाइटी भी होगी, और अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई तो जाहिर है कि आगे से इतना अच्छा आपको बिहेवियर नहीं मिलेगा और उससे आपकी सेल्फ एस्टीम लो जाएगी। सो वी डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सच सिचुएशंस के जब हमें रिजेक्शन या फेलियर से डील करना पड़े। तो इसलिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज आएगी हमें बचाने के लिए, या यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट चीज जो हमें फेलियर से निकाल कर, फेलियर माइंडसेट से निकाल कर ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेकर आएगी, दैट इज that one thing inside of you जो अल्लाह सुब्हाना व ताला ने इंसान में एक कैफियत रखी है, जो जहनी कैफियत है, वो है उसकी सेल्फ एस्टीम। अब सेल्फ एस्टीम का ताल्लुक सेल्फ अवेयरनेस के साथ क्या है, कॉन्फिडेंस के साथ क्या है, इसी पर आज हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ओके, पहली बात कि सेल्फ एस्टीम और सेल्फ अवेयरनेस की मैं इंशाल्लाह ताला आपको डेफिनेशन बता दूं। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंग्रीडियंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। जो लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत हाई होते हैं तो उनका जो सेल्फ अवेयरनेस लेवल है वो बहुत अच्छा होता है, वो बहुत हाई होता है। और सेल्फ अवेयरनेस लेवल दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस और एक होता है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। और फिर सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड ही सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, ठीक है, और फिर सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो बहरहाल मैं कुछ आज आपसे टेक्निकल टर्म्स भी बोलूंगा आपके सामने, उन टेक्निकल टर्म्स को आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करूंगा आप सबसे, बहुत जरूरी है। और फिर मैं बहुत जबरदस्त रिलीजियस एस्पेक्ट भी आपके सामने रखूंगा इंशाल्लाह कि इस्लाम ऑटोमेटिकली हमें हाई सेल्फ एस्टीम की तरफ कैसे ले जाता है
और हमें रिजेक्शंस और फेलियर से डील करने की कुव्वत कैसे देता है इस्लामिक सिस्टम। ओके, इंशाल्लाह इस पे भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस से मुराद इन शॉर्ट, इन वेरी सिंपल उर्दू ये है कि एक बंदा अपने बारे में कितना आगाह है। जो बंदा अपने बारे में बहुत ज्यादा आगाह है वो फिर जाहिर है कि फेलियर और रिजेक्शन से डील करने में बहुत मुख्तलिफ होगा। एक बंदा जो अपने बारे में इतना अवेयर नहीं है, उसने कभी अपने आप को परखा ही नहीं है, उसे अपनी क्वालिटीज नहीं पता, उसे अपनी कमजोरियां नहीं पता है, या उसकी मेंटल ग्रोथ कभी हुई ही नहीं है, उसने कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश ही नहीं की है, वो एक नेगेटिव सोच वाला इंसान है जो सिर्फ दूसरों में कीड़े निकालता है, जो सिर्फ दूसरों के फॉल्ट्स जाकर पकड़ता है, दूसरों की फॉल्ट्स को मेंशन करता है, और कभी भी उसमें इतना करेज नहीं आया कि अपने गिरबान में झांक कर देखे, तो जाहिर है कि ऐसे बंदे के लिए ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना उसे अपनी वीकनेसेस पता है, ना उसे अपनी स्ट्रेंथ्स पता है। मैंने आपको एक मशवरा दिया था कि सबसे पहले आप लोग जो है वो अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करें जाके कि वेयर डू यू स्टैंड विद रिगार्ड्स टू योर पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपके वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है जो आपको डिफाइन करते हैं। और मैंने पर्सनैलिटी ट्रेट्स बहुत डिटेल में मेंशन की है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की ही एक क्लास थी, उस क्लास में उसका नाम था पर्सनैलिटी फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ये एक मिनट जरा मैं एक जो है वो बैनर हटा दूं, ये क्लास है हमारी, उस क्लास का बैनर जो है वो चल रहा है, सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस बैनर। जी अच्छा, यस देयर वी गो। अच्छा, सो सेल्फ अवेयरनेस से इन शॉर्ट मुराद है कि आप अपने बारे में कितना आगाह है, कि इंसान की आगाही अपने मुतल्लिक कितनी है। अब सेल्फ अवेयरनेस दो तरह की होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस एंड सेकेंड इज पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस। ये दो तरह के लोग होते हैं। जो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग होते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, जिन्होंने अपने अंदर बहुत ज्यादा झांका होता है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं वो प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या कहीं पे वो किसी के सामने खड़े होने जा रहे हैं, तो उन्हें ये पता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं या मैं कैसी दिख रही हूं, और उन्हें ये पता है कि मैं कैसा बोलूंगा या बोलूंगी, और उन्हें ये पता है कि मेरे अंदर क्या क्या स्किल है, एंड आई विल कम आउट गुड, क्योंकि उन्होंने पहले से अपने आप को बहुत परखा हुआ है। इससे पहले कि लोग उन्हें एवेल्युएट करें, उन्होंने अपने आप को एवेल्युएट किया हुआ है, बिकॉज दे आर ऑन अ लेवल ऑफ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, उन्होंने अपने इंटरनल ट्रेट्स को बहुत ज्यादा परखा हुआ है। दूसरी चीज जो है वो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस की है कि यू कम टू नो योर सेल्फ थ्रू द लेंस ऑफ द पब्लिक, थ्रू द लेंस ऑफ द पीपल। मिसाल के तौर पर आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, आप कहीं पे बात करने जाते हैं, तो अब आप जाकर ऑडियंस में देखते हैं कि एक दो लोग आपको अजीब नजरों से घूर रहे हैं, और इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो एक बंदा जो है वो वहां पर बैठा होता है और वो मुस्कुराता नहीं है, वो बड़े तलख लहजे से आपसे बात करता है, और वो बड़े एक कह लें कि सख्त किस्म के लहजे से आपके साथ गुफ्तगू करता है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उसके प्रेशर में आ जाते हैं, आप ये कहते हैं कि पता नहीं मुझसे कोई गलती हो रही है, पता नहीं क्या बात है यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि आप पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा हैं इस वक्त, जिस मोड में आप चल रहे हो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा है, कि आप दूसरों के लेंस से एक्चुअली अपने आप को देख रहे हैं, आप दूसरों के लेंस से अपने आप को जज कर रहे हैं। जबकि जो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे बंदा होता है, उसे पता होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मैं ठीक बात कर रहा हूँ। जब तक वो अपने बारे में समझे कि मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मैं खास स्टैंडर्ड से बात कर रहा हूँ, तो वो इतना ज्यादा दूसरों के प्रेशर में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल फर्क जो है वो वाजे किया पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के हवाले से। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो एक जनरल जो है वो मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताया। अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस जो है वो डेवलप कब होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि कोई भी इंसान बाय बर्थ सेल्फ अवेयरनेस लेकर पैदा नहीं होता। सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली डेवलप होती है इंसानों की। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि एडल्टहुड का जो पीरियड है, जो कि 13 ईयर से लेकर 18 ईयर तक है, सबसे ज्यादा उस एज में इंसान की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है, क्योंकि उस एज में आकर इंसान जो है वो अपने
पीयर्स के साथ, अपने एज ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करता है और कंपैरिजन शुरू करता है, ठीक है। उस एज ग्रुप में उसमें पढ़ने का शौक होता है या कुछ करने का शौक होता है या कोई एम्बिशन होता है। बहुत से लोग इस एज ग्रुप में सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, दूसरों से इंप्रेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, और जाहिर है कि अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने कजन्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ, वगैरह वगैरह। तो इस एज ग्रुप में अगर सेल्फ अवेयरनेस सही से डेवलप नहीं होती तो एक बंदा आगे की लाइफ में जाकर इल कॉन्फिडेंट होगा। एक बंदा आगे की लाइफ में जाकर जो है वो जाहिर है कि अच्छा डिसीजन मेकर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 13 से 18 ईयर का एज ग्रुप है इसमें बहुत सी ऐसे वाकयात हुए या ऐसे लोगों से उसका पाला पड़ा जिन्होंने उसको कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं दिया। इसीलिए बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स इस एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं 13 to 18 ईयर ओल्ड जो बच्चे होते हैं उनको कॉन्फिडेंस दें, लेकिन इतना ना उनको जो है वो उनमें हवा इतनी ज्यादा ना भर दें कि वो नार्सिसिस्ट बन जाए। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस ठीक है, एक अच्छी चीज है, लेकिन जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना और अपनी ही तारीफें करते रहते हैं और अपनी ही क्वालिटीज देखते रहते हैं, जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो जाती है, वो फिर नार्सिसिज्म की तरफ भी चले जाते हैं, वो फिर रिजेक्शन ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज से भी हमने बचना है। कैसे बचना है, आई विल कम टू इट इंशाल्लाह। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत सेंसिटिवली डील करें। अगर आप इस एज ग्रुप के बच्चे को ये कहेंगे कि यार तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता, या बेटा तुम चलो वहां जाकर बैठो, तुमसे हमने क्या मशवरा करना, तुम अभी बच्चे हो। अब मसला ये है कि जब आप रिपीटेडली इस बच्चे को कहेंगे तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो, तुम छोटे हो, तुम छोटे हो, तुम्हें क्या पता, तो फिर वो बच्चा कहेगा कि अब मैं बड़ा बन के दिखाता हूं, अब मैं बड़ों वाले काम करता हूं ताकि इन्हें यकीन आए कि मैं बड़ा हूं। फिर वो चोरी भी करेगा, फिर वो झूठ भी बोलेगा, फिर वो सिगरेट भी पिएगा, फिर वो जो है अपना कॉलर खोल के भी फिरेगा, ओके, ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे तुम छोटा मत समझो, मुझे छोटा ना कहो, क्योंकि जाहिर है कि उसकी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो रही है एंड नो वन लाइक्स टू बी कॉल्ड छोटा। तो इस एज ग्रुप के साथ आपने आर्ग्यू भी करना है और बहुत अच्छे से डील करना है। बहरहाल ये पेरेंटिंग का टॉपिक है, मैं इस पर बात फिर कभी करूंगा। मैं यहाँ पर बात आपसे ही करना चाह रहा हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप किस एज ग्रुप में होती है सबसे ज्यादा, ओके, और उसके बाद वो सेल्फ अवेयरनेस एक बार डेवलप हो गई तो फिर इंसान की जो आने वाली लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होती है उस चीज से। ये दूसरी बात हो गई, ओके। तो आगे चले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा होते हैं उसके क्या इफेक्ट होते हैं उनकी लाइफ में, और जो लोग पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा होते हैं उसका क्या इफेक्ट होता है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूं। आपने कभी अपने इर्द गिर्द, या हो सकता है आप खुद ऐसे हो, या आप खुद ऐसे होंगे, आपने अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि आप उनके साथ रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, या आप उनके साथ किसी पब्लिक प्लेस में बैठते हैं जाकर, तो वो केयर नहीं करते कि आगे पीछे कौन बैठा हुआ है। आप डर रहे होते हैं कि यार ये ऊंची हंस रहा है, आप डर रहे होते हैं, आप दब रहे होते हैं कि यार ये ऊंची ऊंची बातें कर रहा है, हालांकि वो सही बातें कर रहा होता है, वो कोई मायूब बातें नहीं कर रहा होता है, कोई गलत बातें नहीं कर रहा होता है, लेकिन समहाउ आपको बहुत ज्यादा वो चीज पिंच कर रही होती है कि आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता हंसो, ठीक है, या ऐसी बात ना करो, ये बातें यहां पर ना करो, वगैरह वगैरह। वो बंदा केयर ही नहीं कर रहा होता, वो बंदा खिलखिला कर हंस भी रहा होता है, वो बंदा ऊंची ऊंची बात भी कर रहा होता है। आपने कई लोग देखे होंगे कि वो बस में बैठे मोबाइल फोन्स पे लगे होते हैं और बड़ी ऊंची ऊंची बातें भी कर रहे होते हैं, नॉट केयरिंग कि कौन उनकी कोई बात सुन रहा है या उनको जज कर रहा है। तो ये कौन सी वाली टाइप है पर्सनालिटी की, ये कौन से लोग हैं, किस लेवल के सेल्फ अवेयरनेस हैं? ये वो वाले सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग हैं जो इस लेवल पे हैं कि उनकी प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा है बजाय कि उनकी पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस ज्यादा है। दे डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ देम, दे डोंट केयर व्हाट पीपल जज ऑफ देम। तो ये एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस, और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस को आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि आप ऐन मुमकिन है कि बदतमीज भी बन जाए, ओके। सो ये एक हद तक तो चले ठीक है कि ऐसा बंदा इन्फ्लुएंस नहीं होता इतनी जल्दी बाकियों से, ऐसा बंदा वही करता है जो उसका दिल करता है, लेकिन इन दिस कॉन्टेक्स्ट के जाहिर है कि रवायात का, तहजीब का भी ख्याल रखना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी ऐसे बंदे को नुकसान हो जाता है। जो दूसरा टाइप का बंदा है जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, जो बहुत ज्यादा केयर कर रहा है कि यार मैं ऊंची ना बोलूं, या जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है,
अपनी बीवी के साथ वैसे तो बहुत एक्सप्रेसिव है, लेकिन जब पब्लिक प्लेसेस पे जाएगा तो कभी भी ना बीवी की तारीफ करेगा, ना खुल के बीवी के साथ हंसेगा, ना ही कोई बात बीवी को करेगा कि कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई हमें देख ना ले। मैं यहाँ पर हलाल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ, ओके, सो डोंट गेट मी रॉन्ग। तो ये वाला कौन बंदा है? ये वाला वो बंदा है जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस पे ज्यादा है, यानी इसका लेवल ऑफ पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस से ज्यादा है। तो ये बंदा बहुत ज्यादा घबराएगा पब्लिक में बात करते हुए, ठीक है? ये वाला बंदा बहुत ज्यादा कॉन्शियस होगा पब्लिक के हवाले से। तो मैं कुछ और आपको जो है वो इफेक्ट्स बताता हूँ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के। अच्छा, नंबर वन, जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा होते हैं तो उनका इंटेंसिफिकेशन ऑफ इफेक्ट ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव वाकयात उनकी लाइफ में होंगे वो उसको ज्यादा फील करेंगे, बिकॉज वो डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है? मिसाल के तौर पे कि एक बंदे की सैलरी बढ़ती है बहुत ज्यादा और उसको प्रमोशन मिलती है और उसको बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो वो इस खुशी को मजीद एम्पलीफाई करेगा, वो एक पार्टी भी थ्रो करेगा, वो घर वालों के लिए मिठाई भी लेकर आएगा, वो जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से इस खुशी को मनाएगा जो भी खुशी उसे मिली, क्योंकि वो ये जानता है कि हैप्पीनेस उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके? और वो ये जानता है कि कौन सी चीजें उसे खुश करती हैं, वो हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करना जानता है और वो ये जानता है कि इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज वो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे है, उसका लेवल ये वाला बहुत ज्यादा है, ओके? तो पहला जो इफेक्ट है, जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा होते हैं, जिन्हें पता है कौन सी चीज उन्हें खुश करती है, कौन सी चीज उन्हें गमजदा करती है, उनकी क्वालिटीज क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, तो वो हमेशा इमोशंस को इंटेंसिफाई करेंगे। अब जाहिर है खुशी मनाते हुए तो इंटेंसिफाई करना ठीक है, लेकिन गमजदा होते हुए तो ये एक हद तक नुकसान भी कर देती है उन लोगों का, कि वो फिर ज्यादा गमजदा भी हो जाते हैं आम लोगों से, वो ज्यादा गमजदा हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पे होते हैं उनका फिर अपने बारे में ना एक आइडियल सेल्फ होता है, और अगर वो आइडियल सेल्फ उनका पूरा ना हो तो जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा गमजदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने अपना एक आइडियल सेल्फ बनाया हुआ है कि मैं बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंट बंदा हूँ और मैं इंटरव्यू फेल ही नहीं कर सकता और मैं जो है वो कोई प्रेजेंटेशन बुरी नहीं दे सकता, लेकिन सपोज करें उस बंदे ने कहीं इंटरव्यू दिया या प्रेजेंटेशन दी और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, उसका इंटरव्यू फेल हो गया, तो फिर ऐसे लोग हिट भी बहुत बुरी तरह होंगे, ओके? तो वजह क्या है कि उसने पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के मुताबिक नहीं सोचा, उसकी जितनी राय थी अपने बारे में वो प्राइवेट राय थी। आप लोग मजीद फर्क को समझ रहे होंगे कि प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग हमेशा अपने बारे में जो राय रखते हैं वो प्राइवेट राय रखते हैं, वो ये कहते हैं कि दूसरों की राय मैटर नहीं करती, व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ इज ऑल दैट मैटर्स, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं और जिस तरह से मैं अपने आप को डिफाइन कर रहा हूं वो है असल डेफिनेशन। तो वंस अगेन मैं यही रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगा कि वी हैव टू बी श्योर कि हम दोनों एक्सट्रीम्स की तरफ ना जाएं, हम पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस को भी अडॉप्ट करें। पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस से मुराद है कि लोगों की राय भी लें अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए और अच्छी बात है, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर एक को निग्लेक्ट कर देंगे तो जाहिर है कि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग फिर बहुत ज्यादा पब्लिक कॉन्शियस होते हैं और ये चीज उनको आगे बढ़ने में, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करने में, सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने में बहुत नुकसान देती है, वो सोशल प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है? और दूसरे वाली जो टाइप है जो प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में बहुत हाई लेवल पे होते हैं वो फिर नार्सिसिज्म की तरफ भी जा सकते हैं और फिर वो उनकी तरक्की में ये चीज भी रुकावट आ सकती है कि जब भी उन्हें फेलियर या रिजेक्शन आएगी तो बहुत ज्यादा गमजदा हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना एक आइडियल सेल्फ बनाया होता है। अच्छा, और इसके इफेक्ट क्या है? क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये एक फायदा है, जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में बहुत आगे होते हैं यानी उन्होंने अपने आप को अंदर से खुद पढ़ा होता है, लोगों के लेंस से नहीं पढ़ा होता, लोगों की नजरों से नहीं पढ़ा होता। देखिए, लोगों की नजरों से पढ़ना भी अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे आपका कोई अच्छा दोस्त आपको बता सकता है कि आप में क्या क्वालिटी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अपने एक दोस्त के घर गया और मैं उसके घर एक दो बार गया और उसके बाद मैं उसके साथ सफर कर रहा था तो मैंने उसकी तारीफ की, मैंने कहा कि यार आपको पता है कि आप में एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। अब उसकी फौरन तवज्जो मेरी तरफ हो गई क्योंकि देखें, इंसानों को पसंद है कि उनके बारे में बात की जाए।
तो उसने कहा कि अच्छा क्या क्वालिटी है मेरे अंदर, मैं सुनना चाहूंगा। अब हो सकता है ये क्वालिटी ऑलरेडी उसे पता हो। अब जो लोग यहां से ये फर्क भी वाजे कर लें प्राइवेट और पब्लिक सेल्फ अवेयर का, जिनको अभी तक मेरी बात समझ नहीं आ रही, जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में बहुत हाई लेवल पे हैं, उनको पहले ही पता होगा कि अच्छा ये अगर ये क्वालिटी ये मेरे अंदर बता रहे हैं मेरे दोस्त, मुझे पहले ही पता है। लेकिन जो जाहिर है जिन्होंने इतना नहीं नोट किया अपने आप को, उनको हो सकता है कोई नई बात पता लग जाए, तो उनके लिए ये एडिशन हो जाएगी उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में, उनकी क्वालिटीज में, तो अच्छी बात होती है। प्राइवेट प्लस पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए आप में, ठीक है। मैंने उसे कहा कि आपके अंदर एक क्वालिटी है, तो उन्होंने कहा अच्छा क्या क्वालिटी है मेरे अंदर, तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप जो काम करते हैं ना आप एक्सीलेंस के साथ करते हैं। वो बड़ा हैरान हुए, कहते हैं कि अच्छा ये आपने कैसे नोट किया। मैंने कहा यार छोटी छोटी चीजें होती हैं नोट करने की। देखिए मैं आपके घर आया, आपने मुझे जिन बर्तनों में खाना खिलाया, मैं नोट कर रहा था कि माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा क्लीन थे, और आपने उनको मुझे सर्व करने से पहले आपने उसको टिश्यू से साफ किया, आपने जो स्पून रखी, जो फॉर्क रखा उसको टिश्यू से साफ किया, आपने जिस जिस चीज में मुझे जो सर्व किया तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी की चीज थी। बेशक मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगी चीज थी, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि सफाई का लेवल बहुत हाई था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान नोट कर लेता। वो बड़ा हैरान हुए, कहते अच्छा ये तो मेरी आदत है, मेरे घर वालों ने आदत डाली है, दिस इज हाउ आवर फैमिली वर्क्स। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, और एक्चुअली इट शोज कि आप जो भी करना चाहते हैं वो एक्सेलेंस के लेवल पे जाकर करना चाहते हैं। आप देखे ना, एक गेस्ट आपके घर आया, आप जो है उसे स्टील के उसमें जो है ग्लास में पानी दे सकते हैं, या आप उसे किसी और बर्तन में भी दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अब यहाँ पर ये मैं डिबेट नहीं कर रहा कि बहुत ही महंगे ग्लास में दे दे, देखें साफ सुथरे ग्लास में बहुत अच्छे अंदाज में, ये फिर कुछ आपकी वैल्यूज बताती हैं ये चीजें। एनीवे, तो जब मैंने उन्हें ये बात बताई बड़ा खुश हुए, और इस चीज ने उनके अंदर एक वो चीज ऐड की। उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बात नहीं पता थी, मुझे अब पता लगी आपसे कि मैं ये कर सकता हूं। तो मैंने कहा डेफिनेटली, और आप अगर नोट करें तो आप हर चीज इस तरह करते होंगे। तो उन्होंने फिर थोड़ा सा गौर करना शुरू किया, उन्होंने कहा यार वाकई मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ या जब भी मैं कोई चीज प्रेजेंट करता हूँ तो आई इंश्योर कि मैं बेस्ट क्लोथ्स पहन कर जाऊं, मैं जो है वो बेस्ट टाई लगा कर जाऊं, चाहे वो छोटी सी प्रेजेंटेशन भी क्यों ना हो। और मैं जब कोई असाइनमेंट सबमिट कराता हूं तो आई इंश्योर कि मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से सबमिट कराऊं। और इसी तरह गाड़ी उन्होंने इतनी जबरदस्त मेंटेन की होती है, साफ सुथरी होती है उनकी गाड़ी। आज तक मैंने उनकी गाड़ी में जो है वो एक टिश्यू पेपर भी नीचे पड़ा हुआ नहीं देखा, यानी इट्स वेरी क्लीन। एंड ये सारी चीजें किस बात की निशानदेही करती हैं कि ये इंसान जो चीज भी करता है एक्सीलेंस के साथ करता है। अब एक्सीलेंस की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, एक्सीलेंस इज द एबिलिटी टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल। ऑर्डिनरी थिंग्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वेल करने का नाम एक्सीलेंस है। और यकीन करें कि ये जो एक्सीलेंस वाली क्वालिटी है ना, ये इंसान को बहुत ऊपर ले जाती है। मेरा बचपन का एक दोस्त है, इस वक्त वो अमेरिका में AT&T में मैनेजेरियल पोस्ट पे, सियाटल में होता है, और अल्लाह ताला जो है माशाल्लाह उसको दीन की भी समझ है, अल्लाह उसे मजीद तरक्की दे। मेरा बचपन का दोस्त है और उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे, हैरान कुन बात है। उसके बाद वो अमेरिका गया, वहाँ पर जाकर उसने खुद से पढ़ाई की, अपने आप को खुद से स्पॉन्सर किया, टेक्सास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, देन ही गॉट इनटू अ कंपनी एंड देन समहाउ ही गॉट इनटू AT&T। नाउ ही इज एट अ वेरी esteemed managerial position, and मैं उसकी एक क्वालिटी यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ। वो जो काम करता था एक्सेलेंस के साथ करता, नोट्स बनाता था एक्सेलेंस के साथ बनाता था। कुछ लोग नोट्स बनाते हैं मतलब जबरदस्ती, वो भी किसी के कहने पे। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। कुछ लोग डिफरेंट हाइलाइटर्स, मार्कर्स, पॉइंटर्स उनके हाथ में होते हैं, हाईलाइट कर रहे होते हैं, डिफरेंट कलर से स्टिकी नोट्स लगा रहे होते हैं। ओके, ये तरीके हैं नोट्स बनाने के। कुछ लोग उन्होंने कैजुअली एक बस बॉल पॉइंट पकड़ा होता है, कभी कुछ लिख लिया कभी नहीं लिखा, तो वो लोग समझते हैं वो इमाम बुखारी हैं, क्योंकि इमाम बुखारी कभी नोट्स नहीं लेते थे, उन्हें हर चीज याद हो जाती थी, लेकिन हर बंदा इमाम बुखारी नहीं होता। एनीवे, ये चीज उसे इतना ऊपर ले गई, ऑल्दो उसके जो है वो ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे,
ये छोटी छोटी आदतें एक्सीलेंस से करने की जो आदत है उसे बहुत ऊपर ले गई, और देखें इस हद तक ऊपर ले गई कि टुडे ही इज एट अ वेरी हाई पोजीशन इन दैट कंपनी. AT&T बाय द वे मोबाइल सॉफ्टवेयर आई थिंक ये बनाते हैं. एनीवे मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने जब अपने दोस्त को उसकी क्वालिटी बताई तो इसका मतलब है कि उसका प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस का लेवल मैंने इंक्रीज किया थ्रू द पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस. तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है कि आप लोगों से भी अपने बारे में राय लें, आप स्पेशली अपने फैमिली वालों से अपने बारे में राय लें और उसको अप्रिशिएट करें. जब आपके फादर या मदर आपको कॉम्प्लीमेंट करें, आपके सिबलिंग्स आपको कॉम्प्लीमेंट करें, वो है असल तारीफ, ठीक है, क्योंकि दे नो यू. हाँ, आजकल ऐसे होता है कि इंटरनेट पे बैठा कोई बंदा आपकी तारीफ कर दे या बंदी कोई तारीफ कर दे उसको हम ज्यादा सीरियस लेते हैं, हालांकि वो बंदा हमें जानता भी नहीं है. तो ये भी एक किस्म का धोखा ही है इंटरनेट के वर्ल्ड का, कि लोग जो है वो घर वालों को पीछे रखते हैं और किसी अजनबी को जो है वो आगे रखते हैं. तो बहरहाल मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस दोनों को साथ लेकर चले. अगर कोई आप में ऐड कर रहा है सेल्फ अवेयरनेस में तो उसको ले ले, ठीक है जी. तो दूसरा पॉइंट ये था कि क्लैरिफिकेशन ऑफ नॉलेज. जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में बहुत हाई लेवल पे होते हैं उनको अपने बारे में क्लैरिफिकेशन होती है. मिसाल के तौर पर एक बहुत फेमस कोट है ना कि किसी बादशाह को आकर उसके वजीर ने कहा कि आपको पता है कि लोग आपके बारे में बड़ी बातें कर रहे हैं. बादशाह ने कहा अच्छा क्या बातें कर रहे हैं. तो उसने कहा कि वो कह रहे हैं कि आप जो है वो यतीमों का माल खाते हैं, आप जो है वो गरीबों के मदद नहीं करते, आप ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं. तो मुस्कराया, उसने कहा कि अच्छा वो क्या नाम ले रहे थे जब वो ये बातें कर रहे थे. तो वजीर बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि आपका नाम ले रहे थे, यानी सपोज करें उसका नाम लेट्स कॉल हिम अब्दुल्ला. एक फर्जी वाक्या बना हुआ है लेकिन ये समझाने, ये वाक्या सुनाने का मेरा एक मकसद है. उसने कहा कि वो कह रहे थे कि अब्दुल्ला ऐसे करते हैं, अब्दुल्ला वैसे करते हैं. तो वो मुस्कराए, उन्होंने कहा वो किसी और अब्दुल्ला की बात कर रहे होंगे, वो मेरी बात नहीं कर रहे, और ये कहकर उन्होंने बात को टाल दिया. अब ये वाक्या सुनाने का मकसद क्या है, उस बादशाह ने कितना रिलैक्स रह के, कितना कंपोज रह के बात को टाल दिया, क्योंकि उसे पता है कि उनके बारे में जितनी बातें हो रही हैं प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है और वो असल में ऐसे नहीं है. और उनको ये भी पता है कि सच का साथ हमेशा अल्लाह सुभान व तआला भी देते हैं. तो सच, ट्रुथ इज लाइक अ लायन, व्हेन यू सेट इट फ्री इट विल डिफेंड इटसेल्फ. तो वो मुस्कुरा इस बात पे दिया कि मैं ऐसा हूं ही नहीं, मुझे पता है. तो उसकी अपने बारे में जो नॉलेज थी वो बहुत एक्यूरेट थी, और उसे ये पता था कि ये जो भी मेरे बारे में बातें फैलाई जा रही हैं ये मेरे ओपोनेंट्स फैला रहे हैं, ये वो लोग फैला रहे हैं जो इनसिक्योर हैं. तो अगर आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, एकदम आप परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे ओहो अच्छा मेरे बारे में वो ये बातें फैला रहे हैं, ओहो ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं क्या करूं, आप पैनिक हो जाएंगे, आप पैनिक होके कोई गलत स्टेप ले लेंगे. तो ये वो वाली टाइप है जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत ज्यादा जाते हैं. जो इनका प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस जो है वो वाला लेवल कम है और पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का लेवल बहुत ज्यादा है. तो दीस पीपल विल कम इनटू इन प्रेशर ऑफ द पीपल, ओके. तो इसलिए ये एक फायदा है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस का. नंबर टू. नंबर थ्री, ग्रेटर एडहेरेंस टू पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर. जो लोग प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा होते हैं ना, उन्होंने अपने बारे में एक स्टैंडर्ड बनाया होता है, सेल्फ का एक स्टैंडर्ड बनाया होता है, वो उसको फिर एडहेयर भी करते हैं. मिसाल के तौर पे उन्हें पता है कि मैं हाइजीन पसंद हूँ. अब जब उन्हें पता है कि मैं हाइजीन पसंद हूँ, मुझे साफ बेडशीट पसंद है, मुझे साफ कपड़े पसंद है, ऐसे लोग फिर कपड़े बदलते हैं बार बार, दिन में उन्हें थोड़ा सा पसीना आ जाए कपड़े को बदल लेंगे. ऐसे लोग बहुत ज्यादा खुशबू लगाना पसंद करेंगे, ड्यूडेंट्स लगाना पसंद करेंगे, बार बार दे विल टेक अ बाथ. एंड देन वी हैव द ऑपोजिट साइड एज वेल, जो रफ एंड टफ होते हैं, हु आर नॉट दैट हाइजीन कॉन्शियस, ओके. दोनों टाइप्स होती हैं. तो ये वाली जो पहले जो सेल्फ अवेयरनेस, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा होते हैं, वो लोग अपने जो सेल्फ स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है. ये तीसरा फायदा है प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के लेवल में ज्यादा होने का. अब जरा हम आते हैं इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस. इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन, ये एक नुकसान है. जो लोग पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा होते हैं, ये कौन लोग हैं, जो अपने आप को दूसरों के लेंस से परखते हैं, ठीक है, ये वो वाले लोग हैं. तो इनकी एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा होती हैं इवैल्यूएशन के हवाले से. मिसाल के तौर पर जब ये इंटरव्यू देने जाएंगे, प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, किसी को फेस करने जाएंगे, कहीं पे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने जाएंगे,
तो ये सोच के नहीं जाएंगे कि मुझ में दम है और मैं कर सकता हूँ, ये सोच के जाएंगे कि मैं ना वहां जाके जज करूंगा कि अगले मुझे किन नजरों से देख रहे हैं, या अगले जो है वो मुझे किस तरह के जेस्चर दे रहे हैं। वो उसका सारा का सारा पैरामीटर अगलों के हिसाब से होगा, और जाहिर है कि जब उसका पैरामीटर अगलों के हिसाब से होगा तो वो यहीं पे फेल हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है अगले वेलकमिंग जेस्चर दें या हो सकता है अगले वेलकमिंग जेस्चर ना दें। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैंने शुरू शुरू में पब्लिक स्पीकिंग शुरू की थी और मैंने शुरू शुरू में दुरूस देना शुरू किए थे, तो मैं मसाजिद से मैंने शुरू किया था। मेरा जो पहला लेक्चर था एक बहुत बड़ी गैदरिंग में, वैसे तो छोटे छोटे लेक्चर मैं यूनिवर्सिटी लाइफ से दे रहा हूँ, लेकिन वो रूम्स में होते थे, एक पब्लिक गैदरिंग, यानी 500 के करीब लोग जो मैंने एड्रेस किए, और रमज़ान में एड्रेस किए थे, और 27वीं की रात थी गालिबन, या 29वीं की रात थी, एंड इट वॉज 2009 आई गेस, 2009 था या 2010 था, दैट वॉज माई फर्स्ट एवर पब्लिक टॉक। आपकी सोच है कि मैं 12 बजे के करीब मस्जिद से भाग गया, क्योंकि मेरी जो टॉक थी ना वो तकरीबन कोई फजर से पहले की थी, तो उन्होंने उस रात ताक रात को कुछ स्केड्यूल ऐसा रखा हुआ था कि टॉक इस टाइम पर होनी है, और बहुत से लोगों ने आना था, जाहिर है फजर पढ़ने तो सब आते हैं। तो मैं 12 बजे मस्जिद से भाग गया और मैं घर चला गया, मेरा घर मस्जिद के बिल्कुल करीब था, और मैं बस जाकर लेट गया और मैंने सेल फोन ऑफ कर दिया, और मैं बस यही दुआ कर रहा था कि टॉक कैंसिल हो जाए, टॉक कैंसिल हो जाए। लेकिन खैर, फिर मेरे घर वालों ने मुझे बूस्ट किया, वालिद साहब ने बूस्ट किया, और उन्होंने पूछा कि कब है तुम्हारी टॉक ये वो, तो फिर मैं उठा टॉक देने गया। अब जब मैं टॉक दे रहा था, मैंने जब टॉक स्टार्ट की, तो जाहिर है कुछ ऐसे बुजुर्गान थे जो मुझे घूरी मार रहे थे, और अंकल्स ऐसे होते हैं जो इनएक्सप्रेसिव होते हैं। अब वो बेचारे इनएक्सप्रेसिव थे, ना वो अप्रिशिएट कर रहे थे, ना वो हंस रहे थे, ना वो मुस्कुरा रहे थे। तो इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में ज्यादा हैं, जो कम्प्लीटली ब्लैंक होते हैं, इनएक्सप्रेसिव होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि इनको आपकी बात अच्छी लग रही है या पता नहीं बुरी लग रही है, ये कहना क्या चाह रहे हैं अपने एक्सप्रेशन से। तो वो बस ब्लैंक होके मुझे देख रहे थे, और मुझे ऐसे लग रहा था कि एज इफ दे आर सेइंग कि अभी इसको हम यहाँ स्टेज से उतार कर मारेंगे, मेंबर से उतार के मारेंगे। तो बहरहाल मैं इतना ज्यादा एकदम से कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर मैंने अपनी नजर दो तीन ऐसे लोगों की तरफ जमा ली जो मुस्करा रहे थे और जो इम्प्रेसिव निगाहों से देख रहे थे और जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे। तो यहाँ पर मैं बताना ही चाहता हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के लेवल से वहां पर जाता और मैं ये सोचता कि मैं वहां जाकर जज करूंगा कि मैं कैसी टॉक दे रहा हूँ बाय सीइंग द एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल, तो मैं वहां लेक्चर ना दे पाता, क्योंकि जैसे मेरी उन अंकल्स पे नजर पड़ी तो मैं एकदम से डर गया कि हाय कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस भी दी कि नहीं, मैं बात तो ठीक कर रहा हूँ, दीन की बात कर रहा हूँ, सही तरीके से बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान की आयात सुना रहा हूँ, सो डरने की क्या बात है। तो इसलिए मैंने अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म में लेकर गया और मैंने वहां पर उस सिचुएशन के साथ कोप किया, ठीक है। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि जब हम बहुत ज्यादा पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के कायल हो जाएंगे ना, तो फिर हमारा जो एप्रीहेंशंस है एवेल्युएशन के हवाले से, वो बहुत ज्यादा फिर जाहिर बढ़ जाएंगे, वो एप्रीहेंशंस, वो फियर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर टू इफेक्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इज दैट टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम। जाहिर है कि जब हम दूसरों के रिजेक्शन देखेंगे या हम प्रेजेंटेशन सही से नहीं दे सकेंगे और उनके एक्सप्रेशन से जज कर लेंगे कि हम अच्छी प्रेजेंटेशन दे ही नहीं सकते, हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के लेवल पर भी हैं, तो हमें पता होगा कि कोई बात नहीं, अभी अच्छी नहीं दे सके, लेकिन मेरे अंदर दम है, मैं अच्छी दे सकता हूँ, मैं वापस घर आऊंगा, मैं आकर रोने नहीं लग जाऊंगा। अगर मैं किसी इंटरव्यू में फेल हो गया हूं, तो मैं वहां ये बिलीफ बनाकर नहीं बैठ जाऊंगा कि अब मैं हर इंटरव्यू में फेल होऊंगा क्योंकि मैं एक इंटरव्यू में फेल हो गया हूं। मुझे पता है कि मैं इंटरव्यूज क्लियर कर सकता हूं, मेरे अंदर दम है क्योंकि मेरे पास नॉलेज है और कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली आ जाएगा, तो मैं आकर दोबारा तैयारी करूंगा, दोबारा अच्छी अप्रोच के साथ जाऊंगा, और जब मैं दोबारा ये काम अच्छे से करूंगा तो मेरी सेल्फ एस्टीम उस काम में बढ़ेगी। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, नेवर एवर गिव अप। ओके, एक काम आपने जो पकड़ा है अपने जिम्मे, तो उसको करते रहे, सेल्फ एस्टीम खुद ही हाई हो जाएगी।
तो दूसरा जो नुकसान है वो टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम होती है ऐसे लोगों की, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों के लेंस से देख रहे हैं बहुत ज्यादा। ऐसे लोग लाइफ में बहुत सफर करते हैं। मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, देखें बहुत से लोग किसी रीजन की वजह से उन्हें ऊपर नहीं आने दिया जाता, उन्हें इंटरव्यू में इसलिए फेल कर दिया जाता है कि इंटरव्यूअर का इरादा होता है किसी और को रखें, या उन्हें एक सोसाइटी में इंडक्ट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जाहिर है पॉलिटिक्स है और वो बड़ी ही खतरनाक किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है। ओके, तो वो गलत रीजंस की वजह से उन्हें रिजेक्ट करते हैं इंटरव्यू लेने वाले, या जो भी जिस भी पोजीशन के लिए उसने अप्लाई किया होता है। अब वो अगला बंदा बेचारा शरीफ होता है, वो इस बात को समझ नहीं पाता, वो ये समझता है कि यार मुझ में शायद कोई फॉल्ट है, मुझे रिजेक्ट किया इसका मतलब मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए चूंकि वो बंदा दूसरों के लेंस से अपने आप को देख रहा है तो वो बेचारा फिर कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरों के ओपिनियन को अपने ऊपर हावी कर रहा है। ओके, तो उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगी, हालांकि उसे पता होना चाहिए कि मैंने इंटरव्यू भी बहुत अच्छा दिया, मैंने जवाब भी बहुत अच्छे दिए, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब मसला उन लोगों का है, और इसका मतलब ये कि अल्लाह ने मुझे किसी नुकसान से बचा लिया है। वो इस तरह से इंटरप्रेट करता है सिचुएशन को, ठीक है। और अगर गलती उसकी थी तो अपनी गलती को मान के दोबारा करेक्ट करके अच्छे तरीके से आता है। और तीसरी जो रीजन, तीसरा जो इफेक्ट है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का, वो है ग्रेटर एडहेरेंस टू सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ऐसे लोग जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में ज्यादा हाई लेवल पे होते हैं, वो फिर सोशल स्टैंडर्ड्स के हवाले से बहुत ज्यादा एडहेरेंस करते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो उसको अपने ऊपर लागू करते हैं सोशल स्टैंडर्ड्स को। मैंने जैसे आपको बताया ना कि मिसाल के तौर पर ऐसे लोग जो हैं वो ये चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि किसी को कुछ चीज़ बुरी ना लग जाए। ये एक तरह से अच्छा भी है, और ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे अंदर होना चाहिए। ये अच्छा इफेक्ट है, देखें पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस का ये अच्छा इफेक्ट है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे खाना खा रहे हैं और आपके मुँह से चप चप की आवाज़ आ रही है, आपके मुँह से आवाज़ निकल रही है, तो एक बंदा है हु डजंट केयर कि मैं मुझे जो मर्जी देखे, वो अपने हाथ भी गंदे कर रहा है, वो अपने कपड़े भी गंदे कर रहा है, वो खा भी अजीब तरीके से रहा है, बिकॉज ही और शी डजंट केयर। दूसरे लोग हैं वो जरा इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हमारी एक पब्लिक इमेज भी है, हमें लोग देख रहे हैं, लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये इसका एक फायदा है कि पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस वाले लोग फिर सोशल स्टैंडर्ड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, दैट गोज इन फेवर ऑफ देम। ये फिर उनकी पब्लिक इमेज के लिए अच्छा भी होता है। ओके, और जो लास्ट इफेक्ट है यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि वो कंपैरिजन, यस उनमें कंपैरिजन बहुत ज्यादा आ जाता है। जो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस के बहुत ज्यादा कायल होते हैं और लोगों की राय ज्यादा लेते हैं, वो फिर कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं, विच कैन गो अगेंस्ट देम, ठीक है। तो लोग जाहिर है आपके बारे में राय देंगे, कभी वो राय ठीक होगी, कभी वो राय ठीक नहीं होगी। तो अगर वो ठीक है, आप उसको मैच करें प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस के साथ, अगर तो वो ठीक है तो अच्छी बात है, उसको ले लें। अगर वो राय अनजस्ट है, दे आर बीइंग अनजस्ट, तो उसको आप रिजेक्ट कर दें, ठीक है। ये बेसिकली तरीका है पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में एक आप कह लें कि बैलेंस क्रिएट करने का। अच्छा, ये तो हो गए इफेक्ट्स पे बात, अब जरा हम आते हैं सेल्फ रेगुलेशन की तरफ। अच्छा, पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस जो है इसका ही ताल्लुक सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ है। जो लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं ना, वो फिर जाहिर है कि नार्सिसिज्म की तरफ भी जा सकते हैं कि वो बार बार शीशा देखते हैं, वो एक एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ वगैरह वगैरह। तो वो चीज नार्सिसिज्म, यानी नार्सिसिज्म एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि जब बंदा अपने आप को बहुत हाई वैल्यू करता है और जब एक बंदा अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ये एक नुकसान है बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होने का, ठीक है। और जाहिर है कि जो लोग बहुत ज्यादा पब्लिक सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, पब्लिक के लेवल से अपने आप को जज करते हैं, तो उनके भी मैंने आपको यहाँ नुकसान बताए कि वो कंसर्न्ड होते हैं हाउ अदर्स जज अस, नॉट हाउ दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स बट हाउ अदर्स जज देम। ओके, वो इस हवाले से बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं। तो इस टॉपिक को, सेल्फ अवेयरनेस के टॉपिक को कंक्लूड मैं करता हूं और फिर हम सेल्फ एस्टीम के टॉपिक पे आते हैं। टू कंक्लूड इट ऑल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पब्लिक प्लस प्राइवेट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना ये कि सिर्फ प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस हो, ना ये कि सिर्फ पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस हो। इन शॉर्ट ये कि ऐसा ना हो कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग आपको आके
ये बताते रहें कि आप कौन हैं, आपके शौक क्या, आपकी क्वालिटीज क्या, आप में खामियां क्या हैं, वो भी ठीक नहीं है। ना ही ऐसा हो कि आप लोगों की बात सुने ही ना, आप लोगों की राय को अहमियत ही ना दें, आप कहें आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, व्हाट सोसाइटी थिंक्स ऑफ मी, आप बदतमीज बन जाएं, आप जो है वो कोई किसी मैनर का ख्याल ना रखें, आप बड़े छोटे की तमीज छोड़ दें, आप जो है वो कहीं पर बैठे हुए, खसूसन आज मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मेंशन करना चाहता हूँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे से हया ख़त्म होती जा रही है, और हमारी जो स्पेशली माइंड ना कीजिएगा मेरी बहनें, कि हमारी जो बहनें हैं वो ये भूल रही हैं कि वो ख्वातीन हैं, वो औरत ज़ात हैं, अल्लाह ताला ने उनको औरत बनाया है, वो भूल रही हैं, वो मर्दों से कंपेयर करती हैं, वो हर बात में ये दलील देती हैं कि मर्द भी तो ये करता है, मर्द भी तो वो करता है, तो मर्दों से आपका कंपैरिजन नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको एक इंडिविजुअल बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको एक सेपरेट बीइंग बनाया है, आपका कंपैरिजन मर्दों से नहीं है, आपका जो जो रोल है सोसाइटी में वो अल्लाह ताला ने डिफाइन किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं जो बात कर रहा था कि हम ये भूल चुके हैं, हमारी ख्वातीन ये भूल चुकी हैं कि वो औरतें हैं, और अब औरत और मर्द की तमीज़ ख़त्म होती जा रही है। एक दौर में ऐसा था कि कुछ हया नज़र आती थी, आप कहीं से गुजर रहे होते थे तो आप इस बात का ख्याल करते थे यार औरत बैठी हुई है, औरतें इस बात का ख्याल करती थी कि ऑपोजिट जेंडर बैठी हुई है। अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अब वो स्लैंग भी चल रही है, एफ वर्ड्स भी चल रहे हैं, हाई फाइव्स भी चल रहे हैं, और वो तमीज़ ख़त्म हो चुकी है, छोटे बड़े की या औरत और मर्द की, लड़का या लड़की की तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। मेरे दौर में यकीन करें ऐसा होता था कि हम कोई हंसी मजाक कर रहे होते थे या कोई लड़कों वाली बात कर रहे होते थे, हम खामोश हो जाते थे लड़की को देख जब वो क्लास में एंटर होती थी, या जब वो हम कैफे में बैठे हों, या जब हम कहीं खाना खा रहे हों, हम खामोश हो जाते थे, हम अदब के साथ जो है वो बात को कम कर देते थे। आज क्या है, आज तो खामोश होना तो दूर की बात, वो साथ बैठ कर ऐसी बातें कर रहे होते हैं लड़का लड़की आपस में, तो वो तमीज और वो हया वो चीज खत्म होती जा रही और उसका नुकसान आपके सामने है फिर, ठीक है। तो इसलिए मैं बताना यहाँ पर ये पॉइंट चाहता हूँ कि जब ये फर्क खत्म हो जाए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या मेरी इमेज क्या बन जाएगी, या ऑपोजिट जेंडर मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो फिर उसके डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसलिए पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस को भी कुछ अडॉप्ट करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं लेकिन एक हद तक अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम सोशल स्टैंडर्ड्स को कन्फॉर्म करें, ताकि हम जो हमारे रवायात हैं उनका भी ख्याल करते हुए चलें। ओके, तो आजकल जो यूथ का एटीट्यूड है वो एक्चुअली हमारी यूथ का जो डोपामीन लेवल है ना, वो चूंकि जाहिर है गेमें खेल खेल के, मूवीज टीवी सीरीज देख देख के, खाने खा खा के बेचारों ने अपना डोपामीन लेवल आसमान को छू रहा है उनका डोपामीन लेवल, तो इसलिए उनको तारीफ बहुत पसंद है, और नार्सिसिज्म की तरफ चली गई हमारी यूथ, तस्वीरें लगाती हैं इंस्टा पे फेसबुक पे, तारीफें चाहिए, तारीफें दो मुझे, लाइक्स दो मुझे, हार्ट्स के निशान दो, कमेंट्स दो मुझे, ये उनकी खुराक है बेसिकली। तो इससे वो सेल्फ एब्जॉर्ब बनते जा रहे हैं, इससे जो है ना उनमें वो सारा एटीट्यूड ख़त्म हुआ जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ का, सेक्रीफाइस का, वगैरह वगैरह, और उसका नुकसान वो डिजास्ट्रस है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिजास्ट्रस हैं, वो आपके सामने हैं। कि यूथ को क्रिटिसिज्म नहीं पसंद, उनकी तारीफें बस किए जाओ, क्रिटिसिज्म उन पे ना करो, ना उनको ये समझाओ कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ना उनको ये समझाओ कि तुम लाइफ में कहां जा रहे हो, बस तारीफें किए जाओ उनकी, उनको बताई जाओ कि तुम कमाल हो, तुम जबरदस्त हो। तो दिस इज वेयर द सिचुएशन हैज कम टू, कि दे डोंट लाइक पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस, दे डोंट लाइक पीपल टू टेल देम व्हाट टू डू, और ये फिर इसके और डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज आपने सुनने, तो फिर वो अल्टीमेटली ये हैं, कल को वो ये कहेंगे कि हु इज अल्लाह टू टेल अस, हु इज प्रॉफिट टू टेल अस व्हाट टू डू, हु इज इस्लाम टू यू नो पुट सम बाउंड्रीज ऑन अस, पुट सम लिमिटेशंस ऑन अस। और यही है आज आप देख लें, वो यही कहते हैं, आप उनसे जब बात करें कोई दीन की बात करें तो आगे से ये रवैया आता है कि हु आर यू टू टेल मी एंड हु इज इस्लाम टू टेल मी, आई विल डिफाइन माई लाइफ, आई, ये जो आई का जो आई का कॉन्सेप्ट है ये इतना ज्यादा हमारी यूथ में आ चुका है, अल्लाह माफ करे, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ डोपामीन इन देयर बायोकेमिस्ट्री,
दे लव आई एंड दे हेट वी. ओके, ये चीज आप, ये बात मेरी आप याद रखिएगा. दे आर ऑल अबाउट आई, आई मी माई सेल्फ एंड आई, दैट्स इट. जब तक बात आई पे रहेगी, आई दिस एंड आई दैट, आई विल डिसाइड, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, शायद उन्हें कुछ ऐसे गलत किस्म के लोगों की वीडियोस उन्होंने देखी हैं जिन्होंने आई के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट किया. उनकी नीयत ये होगी कि यूथ को सेल्फ एस्टीम के बारे में सिखाएं, कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम सिखाते सिखाते उन्होंने यूथ को मी माई सेल्फ एंड आई के उस डिजास्ट्रस सर्कल में ले गए. ओके, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर ये है उन लोग से जो यूथ के साथ डील करते हैं कि यूथ को पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस लेना भी सिखाएं. अपने बच्चों को पैम्पर मत करें, अपने बहन भाइयों को जरूरत से ज्यादा पैम्पर मत करें. प्रैक्टिकल लाइफ में जूतियां खाएंगे वो जाके कल को. उनको रिजेक्शन से भी डील करने दें, उनको बुलिंग से भी डील करने दें, उनको ये देखने दें वो कितने पानी में, उनको जरा देखने दें कि पब्लिक उनको किस नजर से देखती है. अगर आप उन्हें घर बिठाई रखेंगे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आजकल की जो पेरेंटिंग है, पता नहीं हमारे एजुकेटेड क्लास को क्या हो गया, वो अपने बच्चों को हर डिफिकल्ट और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकाल लेते हैं, घर में बिठा लेते हैं कि आजा मेरा लाल, आजा मेरा बच्चा या मेरी बच्ची, और उनको प्रोटेक्शन देते हैं जरूरत से ज्यादा. हालांकि देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा इमोशनल प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए, यू शुड बी देयर इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यू शुड बी देयर, बट यू शुड बी गाइडिंग दैट चाइल्ड हाउ टू डील विद अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, नॉट मेकिंग देम एन एस्केपिस्ट कि बच्चे जब तुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तू भाग कर मेरे पास आ जा. क्या होगा जब आप बच्चे को ये सिखाएंगे, कल को वो आपकी बच्ची जो कहीं पर गई हुई है, उससे शादी नहीं निभाई जा रही, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागना चाह रही है, या आपका बच्चा जिसकी आपने शादी की है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर भागना चाह रहा है, उसका अभी भी दिल करता है मैं हर वक्त गेमें खेलूं, मैं हर वक्त मोबाइल पे लगा रहूं, क्योंकि वो लड़कपन से निकला ही नहीं, उसने सारा दिन गेमें खेलनी है और उसने इन चीजों से जो है वो दूर भागना है मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, वो क्या करेगा या वो क्या करेगी? वो आपके पास आएगी या आएगा और कहेगा कि अम्मा मैंने नहीं इस चीज में रहना, मुझे आप निकाल लें. यही वजह है डिवोर्सेस बढ़ने की. क्या होता है कि जब किसी से कोई सिचुएशन हैंडल नहीं होती तो वो घर आ जाते हैं, घर वाले उन्हें फिर घर बिठा लेते हैं, घर वाले उन्हें मजीद एनकरेज करते हैं कि ओहो हो अच्छा ये हो गया वो हो गया, वो उन्हें मजीद विक्टिम मेंटालिटी की तरफ लेकर जाते हैं, वो विक्टिम्स फील करते हैं अपने आप को, और फिर एंड में क्या होता है कि वो जिंदगी के चैलेंजेस और स्ट्रेसेस से डील नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई दे फेल टू बी इन अ वेरी सीरियस और कमिटेड रिलेशनशिप. ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि हमने अपने बच्चों के साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है. ठीक है, हमने ये नहीं कि उन्हें हर वक्त जो है वो यही फील कराते जाएं कि नहीं 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 तुम्हारे से बेहतरीन तो दुनिया में कोई है ही नहीं. हमने उन्हें पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस की तरफ भी लेकर जाना है कि बेटा जरा पब्लिक में भी जाओ, जरा पब्लिक की नजरों से भी अपने आप को कभी देखो, जरा तहजीब के दायरे में जाकर देखो, जरा सिविक रूल्स को जाकर सीखो कि मुआशरे में कैसे चलते हैं. मुआशरे में चलने के लिए कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, कुछ रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है. मादर पिदर आजाद, ये जो प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म का एक घटिया फिलॉसफी हमारे मुआशरे में आ चुकी है, जो हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली फिलॉसफी है, जो आपको स्पेसिफिक एज ग्रुप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में नजर आएगी कि माई लाइफ माई रूल्स, ये घटिया प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म की फिलॉसफी मैं बार बार कह रहा हूं, जिससे गोरे भी तंग हैं और जिन्होंने इजाद की है वो तंग आ गए हैं, तो हम मुसलमान होकर हम इतने बेशरम हो चुके हैं कि हम ब्लाइंडली हर चीज को फॉलो करते हैं, वो लोग भी तंग हैं. इस पर डिबेट्स हो रही हैं कि मादर पिदर आजादी की जो एक वेव चल गई है ये हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रही है. देयर शुड बी अ लिमिटेशन, देयर शुड बी सम सर्टेन रूल्स, there should be certain limit to how you behave in a society. okay, ye cheez ab wahan bhi bahut zyada discuss ho rahi hai kyunki wo bhi ultimately insaan hai, wo bhi apni society ke bare mein concerned hai. to isliye public aur private self awareness ka combination apne bachchon ko sikhaye aap. theek hai ji. acha, ab hum zara aa jaye self regulation ki taraf, lekin self regulation se pehle मैं सेल्फ एस्टीम पे बात करना चाहूंगा और कुछ टिप्स दूंगा कि सेल्फ एस्टीम कैसे बढ़ानी चाहिए. पहली बात, सेल्फ एस्टीम होता क्या है? देखिए, सेल्फ एस्टीम की डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूं.
In psychology, the term self-esteem is used to describe a person's overall sense of self-worth or personal value. In other words, how much you appreciate and like yourself. That is self-esteem. कि एक बंदा अपने बारे में क्या सोचता है और उसकी अपने बारे में कितनी लाइकनेस है. एक तो है ना कि उसकी अपने बारे में राय क्या है. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. अपने बारे में राय का नाम है सेल्फ अवेयरनेस. अपने बारे में लाइकनेस कितनी है. क्या वो अपने आप को पसंद करता है या अपने आप को बहुत ज्यादा हेट करता है. दैट विल डिफाइन योर सेल्फ एस्टीम. अब देखें व्हाट हैपेंस टू दोस पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम. जिन लोगों की लो सेल्फ एस्टीम है ना वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव राय रखते हैं. जब भी उनको कोई क्रिटिसिज्म आएगा ना तो बजाय के उस क्रिटिसिज्म को वो अच्छे अंदाज में लेने के यही सोचेंगे कि यार मेरे अंदर तो बहुत बड़ी खामियां, मुझे तो हर वक्त लोग यही कहते रहते हैं. वो फिर उससे कुछ प्रोटेक्टिव नहीं लेंगे. और यकीन करें यही वजह है कि आपने देखा होगा कि लोग जब शादी के एक रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो जाहिर है कि आपका पार्टनर कभी आपको कुछ आपकी गलती बता दे, कुछ क्रिटिसाइज कर दे, तो एक तो तरीका ये है कि आप उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं, अपनी गलती को करेक्ट करें ताकि रिलेशनशिप अच्छा चले. अब मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, वो गमजदा हो जाते हैं, वो डिसबिलीफ में आ जाते हैं कि मेरे अंदर भी कोई गलती हो सकती है. या वो अगर उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है तो मजीद लो हो जाती है. वो ये सोचते हैं कि मैं तो हूँ ही ऐसा, मुझ में तो है ये बहुत बड़ा मसला, मैं तो शादी निभाने के काबिल ही नहीं. तो ये वो लोग हैं जो बेचारे सेल्फ एस्टीम में ज़रा लो होते हैं क्योंकि अपने बारे में पहले ही बहुत नेगेटिव राय रखते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेल्फ एस्टीम एटलीस्ट बैलेंस लेवल पे हो. आप अपने बारे में एटलीस्ट इतनी तो राय रखें ना कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ. जो लोग अपने आप से लड़ रहे होते हैं फिर जो भी उनके करीब आता है वो कैजुअलिटी बन जाता है क्योंकि वो अपने आप से लड़ रहे हैं, वो अपने आप से जंग कर रहे हैं, वो अपने ही वसवसों को बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं. उनका फेलियर का माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, उन पर हावी है. उन्हें ये पता है कि मेरे अंदर ये भी खामी है, मेरे अंदर ये भी खामी है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ मैं अच्छी नहीं करता क्योंकि ज़ाहिर है लोगों ने बहुत शैटर किया होता है उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है. तो वो बेचारे फिर ज़ाहिर है कि ऐसी सिचुएशंस में मज़ीद डाउन जाते हैं. तो वी शुड फील फॉर देम. ठीक है, मैं यहाँ पर उनको मोटिवेट और इनक्रेज करना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना आप लो लगता है, आपको लगता है कि आप इतने खूबसूरत नहीं है, ये भी कुछ लोगों को लगता है ना, वो कंपेयर स्पेशली जो हमारी बहनें हैं, चूंकि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स ऐसे बन चुके हैं कि सोसाइटी में जो खूबसूरती की एक तारीफ बयान की जाती है कि ये लड़की खूबसूरत है, ये लड़की जो है वो गुड लुकिंग है, बाकी जो है वो इससे हट के जितनी भी लड़कियां वो इतनी गुड लुकिंग नहीं है. तो जाहिर है उस बेचारे की सेल्फ एस्टीम लो जाएगी. वो समझेगी कि मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, मेरा कभी रिश्ता नहीं होगा, ठीक है, मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा, मेरे साथ कभी कोई लॉयल नहीं होगा. फिर जाहिर है कि कुछ लड़के या लड़कियाँ कंपेयर करते हैं रिलेटिव्स के साथ कि फलाने ने एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, मेरे ग्रेड्स नहीं आ रहे, मैं तो बीए में फेल हो गया या हो गई, मैं तो मास्टर्स क्लियर नहीं कर सका या कर सकी, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है. इससे भी सेल्फ एस्टीम बहुत लो जाती है. उन बेचारों में उनकी सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है. वो अपने बारे में बहुत लो ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, और उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता और ये चीज़ उनको मजीद शैटर करती है. और जब भी कोई काम करने जाएंगे, ड्राइविंग सीखने जाएंगे या वो कोई किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो निभाने जाएंगे तो ये फियर्स उनके आड़े आएंगे लो सेल्फ एस्टीम की वजह से. ठीक है, फिर हो सकता है कुछ लोग को ये सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हों कि वो ये बात सोचें जी कि मेरे घर वाले जो है वो मुझे पसंद नहीं करते हैं और मेरे घर वाले हर वक्त मुझे टॉन्ट करते हैं और इसकी वजह से उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई हो. ठीक है, तो देखें ये सारे इश्यूज नेचुरल हैं, ये इंसानों में आ जाते हैं, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स की वजह से इंसानों में आ जाते हैं. पहली तो बात है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कसूरवार ना समझें. आप ये मत समझें कि आप बहुत लो हैं या आपने को बहुत बड़ा जुर्म कर दिया अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है. ठीक है, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ. मैं भी ऐसे फेज ऑफ लाइफ से गुजरा हूँ जब मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई थी. आते हैं ऐसे फेज इंसानों के, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब कोई सुपर डुपर
जो सुपरमैन होता है, हम सब कोई सुपरमैन या कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का जो कह लें एक सुपर ह्यूमन बीइंग होता है, वो तो नहीं है ना, हम एक आम इंसान है। तो अंबिया पे भी बहुत से फेजेज आए, ऑल्दो लो सेल्फ एस्टीम वाला फेज अंबिया पे नहीं आता, क्योंकि अंबिया जो है वो एक ऐसे लेवल पे उनका रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जिस पर जो एक्चुअली सोल्यूशन है लो सेल्फ एस्टीम से बचने का। जिस बंदे का, याद रखे मेरी ये मेरी टिप याद रखे, जिस बंदे का अल्लाह सुभाना व तआला से ताल्लुक बहुत मजबूत है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, वो कभी लो सेल्फ एस्टीम पे नहीं जाएगा। उसकी क्या वजह है? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, आप लोग अश कर उठेंगे इस हदीस को सुन के, कि लुक एट द सोसाइटी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिएटेड। हमें ऐसी सोसाइटी क्रिएट करने की जरूरत है, हमें स्टैंडर्ड्स, हमें माइंडसेट्स चेंज करने की जरूरत है। हमारा बच्चा, हमारी बच्ची क्यों डिप्रेशन में है? हमारी बहनें, हमारे भाई क्यों डिप्रेशन में है? क्यों उनकी सेल्फ एस्टीम लो है? क्योंकि हमने एक एनिमल सोसाइटी बना दी, हमने कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे उसूलों पर मबनी एक सोसाइटी बनाई है। हमने बचपन से उनको ये तालीम दी है कि तुमने कंपैरिजन करना है, अपनी कजन के साथ करना है, अपनी बहनों के साथ करना है, अपने भाइयों के साथ करना है, अगर तुमने आगे बढ़ना तो यू हैव टू बी लाइक देम, अदरवाइज तुम्हारी सोसाइटी में कोई जगह नहीं। तो जाहिर है आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम लो होगी, क्योंकि आपने क्राइटेरिया ही उसे बचपन से ये सिखाया है कि ये है क्राइटेरिया सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने का, कि व्हाट आई थिंक ऑफ यू एंड व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू, व्हाट सोसाइटी थिंक ऑफ यू एंड व्हाट यू योरसेल्फ थिंक ऑफ, व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, दैट इज द क्राइटेरिया फॉर अ सेल्फ एस्टीम। तो फिर जाहिर है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां कंपैरिजन करेंगे, हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारे भाई जो है वो मटीरियलिस्टिक चीजों को देखकर अपने आप को जज करेंगे, ठीक है, कि मेरे पास डिग्री कौन सी है, मेरी सेल्फ वर्थ कितनी है लोगों के दरमियान। अब ये हदीस सुने और देखें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह शेप कर रहे हैं सहाबा का माइंडसेट। ओके, आई एम गोइंग टू रीड दिस हदीस, सुनन इब्ने माजा, हदीस नंबर 4120, इट इज डिक्लेयर्ड सही। इट इज नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ सहल इब्ने साद असाइदी दैट ही सेड रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, A man came upon the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Thereupon the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, एक शख्स वहां से गुजरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के सामने से, और सहाबा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा, What do you say about that man? अल्लाह के नबी ने कहा इस शख्स के बारे में क्या कहते हो तुम? तो सहाबा ने कहा We say what agrees with your opinion concerning him. हम वही कहते हैं जो आप सोच रहे हैं इस शख्स के बारे में, और वो क्या है? वो ये है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनरेबल अमंग द पीपल, ये शख्स लोगों में बहुत ऑनरेबल है, यानी इसकी बड़ी इज्जत करते हैं लोग। किस वजह से करते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन करते हैं। ओके, ही इज ऑफ सच वर्दीनेस एज इफ ही एंगेजेस अ गर्ल हिज प्रपोजल ऑफ मैरिज शुड बी एक्सेप्टेड। ये इस तरह की वर्थ है इसकी सोसाइटी में कि अगर ये किसी लड़की को प्रपोज करेगा इसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगा। ये सहाबा उसके बारे में अब राय दे रहे हैं। अब जरा राय सुनते जाएं और फिर प्रॉफिट सल्लम का जवाब सुने। अच्छा, इफ ही इंटरसीड्स फॉर एनीवन हिज इंटरसेशन शुड बी इफेक्टिव एंड इफ ही सेज एनीथिंग द अटेंशन शुड बी पेड टू हिज सेइंग। और जब ये कोई राय देगा तो लोग इसकी राय बहुत गौर से सुनेंगे, क्योंकि इसकी वर्थ है सोसाइटी में, इसके पास पैसा है, इसके पास पोजीशन है। और दूसरी बात ये, एक तो राय की बात थी, और जब ये किसी की इंटरसेशन करेगा, सिफारिश करेगा, इसकी सिफारिश मानी जाएगी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए और फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए और खामोश हो गए। और फिर एक शख्स गुजरा वहां से और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अब देखें टीचिंग मेथोडोलॉजी चेक करें प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनकी महफिल चेक करें, किस तरह की महफिल हुआ करती थी, किस तरह की गुफ्तगू हुआ करती थी, लोगों की पर्सनालिटीज बिल्ड हो रही हैं, लोगों की सेल्फ एस्टीम बिल्ड हो रही है। एक गरीब शख्स आया प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में, प्रॉफिट ने कहा इसके बारे में क्या सोचते हो? तो सहाबा ने कहा कि हम ये सोचते हैं कि ये गरीब है मुसलमानों में और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर ये किसी लड़की को प्रपोज करेगा तो इसका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं होगा। अब उनके ये स्टैंडर्ड है एक बंदे के बारे में राय देने के, कि रिश्ता प्रपोज करेगा इसका रिश्ता कोई कबूल नहीं करेगा, और अगर ये किसी के बारे में सिफारिश देगा तो इसकी सिफारिश कबूल नहीं होगी, और अगर ये कोई राय देगा तो इसकी राय सुनी नहीं जाएगी। टोटली ऑपोजिट,
पहले के बारे में कहा, इसकी सिफारिश भी सुनी जाएगी, ये बहुत वर्दी है, ये जो है किसी के बारे में राय देगा या कोई भी राय देगा वो राय सुनी भी जाएगी, ये किसी लड़की को प्रपोज करेगा इसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी किया जाएगा। व्हाई? बिकॉज ही वाज अ रिच गाय, बिकॉज उसके पास कपड़े बहुत अच्छे थे, बिकॉज उस बंदे की चाल चलन जो है वो अमीर लोग वाली थी, उस बंदे के लाइफ स्टाइल से नजर आ रहा था कि वो कोई हाई फाई बंदा। दूसरा जो था बेचारा वो हम्बल से था, गरीब था, पहनने का कपड़ा इतना अच्छा नहीं था, इतने स्टैंडर्ड का नहीं था, उसके बारे में टोटली ऑपोजिट रहा है। तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कसम खा के, उन्होंने कहा नो डाउट द लेटर इज बेटर देन एज मच मैन लाइक दिस एज व्हाट द अर्थ कंटेन्स, कि खुदा की कसम अल्लाह की नजर में ये दूसरा बंदा जिसको तुमने कहा है इसकी सिफारिश कबूल नहीं होगी और इसको कोई बेटी नहीं देगा और इसके साथ कोई नहीं बैठना पसंद करेगा, इसकी बात कोई नहीं सुनेगा, इस बंदे की वर्थ पहले के मुकाबले में ऐसी है कि पूरी दुनिया जितने अर्थ के साथ पहले शख्स को फिल कर दिया जाए, यानी अरबों लोग आ जाएंगे एक दुनिया में अगर फिल किया जाए और इस एक शख्स को सामने खड़ा किया जाए, गरीब को, तो इस गरीब की वर्थ अल्लाह के सामने ज्यादा है। सुभान अल्लाह। और क्या वजह है? क्योंकि अल्लाह सुभान व तआला लुक्स एट योर हार्ट्स, अल्लाह डज नॉट लुक एट योर फेसेस, अल्लाह डज नॉट लुक एट योर फिजीक, अल्लाह डज नॉट लुक एट योर नेटवर्थ, अल्लाह डज नॉट लुक एट योर मनी, अल्लाह डज नॉट लुक एट योर ब्रांडेड क्लोथ्स, अल्लाह लुक्स एट योर हार्ट। ये पहला जो बंदा है बड़ा ही खूबसूरत आदमी, अगर तुम इसको इस नज़र से देखो कि दिल का कितना प्यारा इंसान है, तो देखें ये है वो माइंडसेट जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया कि किस माइंडसेट के साथ लोगों को परखना है, किस माइंडसेट के साथ लोगों की तरफ देखना है। तो सेल्फ एस्टीम अगर किसी ने हाई करनी है तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को चेंज करें। Shift your mindset from thinking that what will people think of me or what I think of myself to what Allah thinks of me. और जो शख्स ये सोचेगा कि what Allah thinks of me, वो private self-awareness में भी high होगा, public self-awareness में भी high होगा। कैसे? जिस शख्स को अल्लाह का डर है, जो शख्स ये समझता है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, जो शख्स ये बात तस्लीम करता है कि मैं इस बात को देखता हूँ कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो पब्लिक में भी अच्छा बिहेव करेगा, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगा, वो कभी ऊंचे ऊंचे ओछी हरकतें नहीं करेगा, ऊंचे ऊंचे कहके नहीं लगाएगा पब्लिक में जाके, वो डिसेंट बिहेव करेगा, क्योंकि उसे ये डर है कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो हर वक्त ये सोच रहा है कि यार अल्लाह कोई बात बुरी ना लग जाए, कहीं मैं कोई ऐसी बात ना कर दूं जो किसी को बुरी लगे, या कहीं मेरी बात से कोई बुरी बात ना पिक कर ले। तो पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस में भी बहुत अच्छा होगा, प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस में वो बहुत हाई होगा कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मिसाल के तौर पे एक हिजाब करती है खातून, हमारी कोई सिस्टर निकाब करती है, हिजाब करती है, पर्दा करती है, अगर वो ये सोचती है अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो कल को उसे कहीं से क्रिटिसिज्म आता है, कहीं कल को वो कैंपस में जाती है, कैंपस के लोग को देखती है कि कितने फैशनेबल है, मैं आई लुक अगली, पीपल कॉल मी निंजा, या पीपल डोंट लाइक मी, पीपल आई डोंट लाइक द वे दे गेज एट मी, मैं खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हूँ। तो ये चीज उसको हिजाब उतारने पे मजबूर कर देती है। या एक बंदा शुरू में नमाज पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में गया तो देखा यार ऑफरिंग सलाह इज नॉट कूल, रादर नॉट ऑफरिंग सलाह इज कूल, रादर आई शुड बी सिटिंग विद द थग्स, मुझे बदमाशों के साथ बैठना चाहिए, मुझे उनके साथ बैठना चाहिए जो गॉसिपिंग कर रहे हैं, दैट इज कूल। तो वो बंदा नमाज पढ़ना छोड़ दे, वो बंदा जो है वो अपनी वैल्यूज चेंज कर ले, बिकॉज ही और शी इज थिंकिंग फ्रॉम दिस माइंडसेट कि व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी। लेकिन जो बंदा ये सोचेगा व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी, तो आप सोचें कि वो बंदा कभी भी लोगों की गलत राय तस्लीम नहीं करेगा, जमा रहेगा वो। इसलिए इस एक चीज को अडॉप्ट कर ले, अगर आप पब्लिक सेल्फ अवेयरनेस और प्राइवेट सेल्फ अवेयरनेस दोनों में बढ़ना चाहते हैं, तो इस चीज को अडॉप्ट कर लें कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोचता है, बस बात खत्म, दैट्स इट। अगर अल्लाह ने आपको एक खास शक्ल में पैदा किया है, अल्लाह ने आपको एक खास कॉम्प्लेक्शन दिया है, तो बी प्राउड ऑफ इट, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह को पता है आपको ये क्यों मिला,
आपकी फिजीक एक खास उस पे है, आप बहुत ज्यादा लीन है, बहुत ज्यादा थिन है, आप किसी तरह ओबीज हो गए हैं, तो जाहिर है कि इसका हल है आप डाइटिशियन के पास जाएं, आप जितना अपनी तरफ से कर सकते हैं आप करें, आप अच्छी डाइट लें, लेकिन कभी भी अपने आप को डिग्रेड ना करें, बिकॉज अल्लाह क्रिएटेड यू। जस्ट नो दैट इफ माई हार्ट इज गुड, इफ आई एम अ पर्सन हु वैल्यूज पीपल, इफ आई एम अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ इमोशंस ऑफ पीपल, तो अल्लाह की जात भी तो है ना। जब मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, तो अल्लाह मुझे भी ऐसे लोगों से कनेक्ट करेगा जो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, इल्ला ये कि अल्लाह कोई टेस्ट ले ले, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो इसलिए अब लोग कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ विल वी नो व्हाट अल्लाह थिंक ऑफ अस। देखिए, यही बात मैंने लास्ट लेक्चर में की थी कि सर्च इट आउट। अल्लाह ने आपको जहन दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इंटरनेट दिया है, अल्लाह ताला ने आपको पढ़ने की सलाहियत दी है, ऐसी चीजें सर्च किया करें, हाउ टू नो व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी। ये इस्लाम क्यूए एक वेबसाइट है, वहां पर जाएं, वहां पर जाकर सिर्फ islamqa.info या islamqa.com वहां पर जाके लिखें, या आप गूगल पर जाके लिखें व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी इस्लाम क्यूए, दैट्स इट, ये लिखें और आगे लिखें इस्लाम क्यूए, या सिंपल हाउ टू नो व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी, यू विल फाइंड आयाज, यू विल फाइंड अहदीस, जिससे आपको ये पता लगेगा कि वेदर अल्लाह लाइक्स यू और डिसलाइक्स यू। जस्ट सर्च इट आउट, राइट डाउन पीपल हुम अल्लाह लव्स, ओके, और जस्ट राइट डाउन पीपल हुम अल्लाह डिसलाइक्स, एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। एम्पावर होम, खुद सर्च करें, खुद आंसर्स बनाएं, खुद रिसर्च करके तोप बन जाएं, दूसरों को बताएं कि मैंने सर्च किया है, मुझे इसका आंसर मिल चुका है, बचाए के इस इंतजार में रहें कि फलाना बंदा मुझे आके इसका आंसर देगा, फलाना बंदा मुझे आके सिखाएगा। एम्पावर होना सीखें, ठीक है, रिसर्च कर करके आपको पता लगेगा कौन सी चीज ऑथेंटिक है, कौन सी चीज इनऑथेंटिक है, अपने आप को इस चीज में आगे लेकर आए, ओके। तो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड के गो विद दिस मेंटेलिटी के व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी, दिस इज हाउ आई शुड बी स्पेंडिंग माई लाइफ, और व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी, मिसाल के तौर पे अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान मजीद पे तदब्बुर करते हैं, उसकी रेसिटेशन करते हैं, तो यू वॉन्ट केयर कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। बदसूरत से मुराद है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, कोई भी शख्स बदसूरत नहीं होता, हर शख्स में किसी की स्माइल अच्छी होती है, किसी की आईज अच्छी होती हैं, किसी का फेस कट अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। बदसूरती वाला स्टैंडर्ड तो जो है ना, वो सोसाइटी ने बना दिया, जो सच बात है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस आदत को अडॉप्ट कर लें कि व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी, अगर मैं अल्लाह के हकूक पूरे कर रहा हूँ और मैं हकूक उल इबाद पूरे कर रहा हूँ, तो दिस इज ऑल व्हाट आई नीड, ठीक है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। तो बहरहाल लो सेल्फ एस्टीम के टॉपिक को मैंने डिस्कस किया, और मैंने आपको फिलहाल एक ही टिप दी है सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की, कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर लें, अपने आप को ना बिजी करें। जो लोग बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं ना, वो फिर शैतान भी उन्हें बहुत तंग करता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, हर वक्त एनालाइज कर रहे होते हैं अपने आप को, अपनी एक एक मूवमेंट, अपनी गुफ्तगू, एक एक चीज ओवर एनालाइज करते हैं, एक 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 हद तक एनालाइज करना, ओवर एनालाइज करते हैं, वो लोग फिर ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्पेशली अगर वो कंपेयर कर रहे हैं दूसरों से। अपने आप को बिजी करें, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, इट्स ओके टू हैव फॉल्ट्स। देखें, फॉल्ट्स होना कोई बुरी बात नहीं है, तो मेरे अंदर भी कुछ फॉल्ट्स हैं, सबके अंदर होते हैं, पर्सनैलिटी फॉल्ट्स कह लें उन्हें आप, नेचुरल होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। सो व्हाट इफ यू हैव अ फॉल्ट, ट्राई टू करेक्ट इट, जितना आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बी एट ईज, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स, और अपने आप को बिजी करें, बजाय के फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, मेरे अंदर ये है, मैं फ्लैट फुटेड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं भाग नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मेरी अंग्रेजी नहीं अच्छी, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं अच्छे हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं जो है किसी को फेस नहीं कर सकती या कर सकता, भाई ठीक है, होगा, तो पॉजिटिव पे भी तो फोकस कर लेना। हो सकता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम हो, लेकिन आपकी कुकिंग बहुत अच्छी हो, तो ये पॉजिटिव है कि नहीं है, तो कुकिंग पे ज्यादा जोर दें, अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, अपने आप को उसमें बिजी करें, ताकि आपकी तारीफ हो, आपके घर वाले कहें कि क्या ही बात है जी, कुकिंग तो कमाल है, तो उससे आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। हो
हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट इंसान ना हो, लेकिन आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी हो, आपकी आर्ट बहुत अच्छी हो, तो पेंटिंग में खपाएं अपने आप को, आर्ट्स में खपाएं अपने आप को, कुछ पेंटिंग वगैरह बनाएं, दीवारों पे लटकाएं, आपकी पेंटिंग सामने होगी, आपके घर वाले तारीफ करेंगे, दूसरे लोग तारीफ करेंगे। माय पॉइंट इज के फाइंड आउट दैट थिंग जिसमें आप अच्छे हैं, पॉजिटिव्स पे फोकस करें और पॉजिटिव्स को आगे लेकर चलें, बजाय के फोकसिंग ऑलवेज ऑन द नेगेटिव्स। अपने आप को खुदा के लिए बिजी करें, शैतान की फैक्ट्री मत बन जाए। एक फारिग माइंड शैतान की फैक्ट्री होता है, वो फिर वो बातें इमेजिन करता है जो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं, उसके जहन में फिर वो फियर्स आते हैं जो एग्जिस्ट भी नहीं करते, और वो फियर्स उसकी हेल्थ को भी डैमेज कर रहे होते हैं, यानी वो बातें अभी हुई नहीं, ना वो होनी है, लेकिन वो बंदा सोच कर बैठा होता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, मुझसे किसी ने शादी नहीं करनी। अब जिसके माइंड में ये आ गया मुझसे किसी ने शादी नहीं करनी, तो फिर ठीक है नहीं करनी, क्योंकि आप खुद शिकस्त खोर हो गए, आपने खुद शिकस्त मान ली, आपने खुद अपने आप को ये मैसेज दे दिया कि मैं फारिग हूं, मेरी कोई वर्थ नहीं है, तो बस फिर खत्म सब कुछ। तो इसलिए फाइंड आउट योर हॉबीज, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, भाई कुछ तो आप में होगा ना, फाइंड इट आउट कि आप किस में अच्छे हैं, और उस चीज पर ज्यादा फोकस दें, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी। और द मेन टिप टुडे, मैं बाकी की चीजें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, हाउ टू बूस्ट सेल्फ एस्टीम। आज के लिए जो मेन टिप मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आप इस माइंडसेट को ही चेंज कर दें, एंड ओनली थिंक दैट, ओनली गो विद दिस माइंडसेट कि व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ मी, अल्लाह ताला की जात मेरे बारे में क्या सोचती है, बस इसको किसी तरह अपने अंदर ले आए। अब इसको मजीद सर्च आउट करें, कैसे सर्च आउट कर सकते हैं, जितना दीन को पढ़ेंगे, जितना दीन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, आपको पता लगता चलेगा व्हाट अल्लाह थिंक्स ऑफ यू। मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर नमाजें पढ़ रहा है, दीन के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किए हुए है, तो फिर वो एट ईज होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है, बाकी लोग को भी अल्लाह राजी कर देगा, लेकिन मेरे लिए मैटर ये करता है मेरा रब मुझसे राजी है, और माय लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ ऑल द मैटर्स, मेरे अल्लाह मेरे तमाम मामलात को सुलझा देंगे। अल्लाह से अपने मामलात को सुलझाएं और आप देखेंगे अल्लाह लोगों के हवाले से आपके मामलात कैसे सुलझाते हैं। ठीक है, आज के लिए ये टिप है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के मजीद तरीके डिस्कस करेंगे। आज की आपकी जो असाइनमेंट है, जो नेक्स्ट वीक मैं चाहूंगा कि आप कर आए, वो एक टेस्ट है, उस टेस्ट का मैं आपको नाम भी बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट मैं आपको क्यों दे रहा हूँ। ओके, जस्ट अ मोमेंट। जी, इस टेस्ट में बेसिकली करते क्या है मैं वो भी आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने अपने आप को जो है ना वो डिफाइन करना है, कितनी बार डिफाइन करना है। जी, इस टेस्ट का नाम होता है 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट, TST, 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट, TST, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट। 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट ये होता है कि आपको ये कहा जाता है कि आप अपने आप को डिस्क्राइब करें 20 टाइम्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, डिस्क्राइब योरसेल्फ 20 टाइम्स, और फिर ट्रेंड चेक करें कि आप अपने आप को किस तरह, सबसे ज्यादा स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। अब मैं आपको टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स बताता हूं और फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं, काफी देर हो गई है। अच्छा, टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, एक टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, 4 कैटेगरीज हैं स्टेटमेंट्स की, ठीक है। जो पहली कैटेगरी है वो क्या है, फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शंस। नंबर फर्स्ट कैटेगरी इज, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये सारी टाइप्स आपके पास आ जाएंगी अभी लिखी, ठीक है। फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि कोई बंदा अपने बारे में ये लिखे कि आई एम अ मेल, आई एम अ फीमेल, या आई एम ओवरवेट, या आई एम थिन, या आई एम लीन, या आई एम टॉल, आई एम हैंडसम, वगैरह वगैरह। अगर तो कोई बंदा अपने आप को ज्यादा इस तरह डिफाइन कर रहा है तो वो फिजिकल सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। दूसरी जो टाइप ऑफ सेल्फ डिस्क्रिप्शंस हैं वो होती है सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, सोशल
अगर अच्छा ये वाली एक्सरसाइज ना आपने ऑनेस्टली करनी है, जो माइंड में आए वही लिखना है। अब ये सोच के नहीं लिखना कि उन्होंने सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में कहा था ज्यादा अच्छा होता है तो मैं ज्यादा ये एक्सप्लेन करूं, नहीं, आपने जो माइंड में आता है वो आप लोगों ने जो है वो लिखना है, ठीक है। सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है? सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन से मुराद है कि कोई ये सोशल रोल अपना बयान करे कि आई एम अ स्टूडेंट, या आई एम अ मदर, या आई एम अ डॉटर, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो या आई एम अ मुस्लिम, या आई एम अ एम्प्लॉई एट सच एंड सच कंपनी, या आई स्टडी इन सच एंड सच यूनिवर्सिटी। तो इसको कहते हैं सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नंबर थ्री जो टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन होती है, जो स्टेटमेंट होती है, उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन। और ये मैं आपको इसकी भी एग्जाम्पल देता हूँ, एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन। जी, एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन की एग्जाम्पल ये है कि कोई बंदा ये कहे कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम असर्टिव, आई एम सोशल, या वो ये कहे कि आई एम लेजी, या कोई ऐसा एट्रीब्यूट अपना बयान करे जो बड़ा स्पेसिफिक है, ठीक है। और नंबर फोर है ग्लोबल सेल्फ डिस्क्रिप्शन। ग्लोबल सेल्फ डिस्क्रिप्शन वाले लोग जो है ना, वो अपने आप को इस तरह डिस्क्राइब करेंगे, वो कहेंगे कि आई एम अ पाकिस्तानी, ठीक है, या वो कहेंगे आई एम अ मुस्लिम, या वो कहेंगे आई एम अ ह्यूमन बीइंग, या वो कहेंगे कि आई एम मी, या वो कहेंगे आई एम अलाइव, यानी वो जनरल टर्म्स जो है वो यूज करेंगे। तो आपका टास्क ये है नेक्स्ट क्लास के लिए कि आप ये TST 20 स्टेटमेंट टेस्ट करें। आप अपने आप को इन अ पीस ऑफ पेपर एक लाइन में 20 टाइम्स डिफाइन करें, वन सेंटेंस में, वन लाइन में नहीं, वन सेंटेंस में। दैट सेंटेंस कुड बी 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, नॉट मोर देन 3 लाइन्स। 20 बार आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है और ट्रेंड देखना है कि आया आपकी डिस्क्रिप्शन में ज्यादा फिजिकल डिस्क्रिप्शन आती है, नेचुरली, बेईमानी नहीं करनी, ठीक है, रोंदी नहीं करनी, या सोशल सेल्फ डिस्क्रिप्शन आती है, या एट्रीब्यूटिव सेल्फ डिस्क्रिप्शन आती है, या ग्लोबल सेल्फ डिस्क्रिप्शन आती है। क्या आता है दिल से, क्या बात उठती है आपकी अपने बारे में? 20 स्टेटमेंट्स टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। जब आप ये कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर बताऊंगा कि हाउ टू नाउ जज के हु यू आर, आपकी सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में कैसी है और आप किस लेवल पे हैं, ठीक है। तो ये आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोग खुद जज कीजिएगा। जाहिर है मैं हर एक से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, क्लास में काफी लोग देख रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, मैं आपको अपना चलें बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि इस चीज को कैसे हम सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के मजीद जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मेथड्स जो है वो डिस्कस करेंगे सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के इंशाल्लाह ताला। तो क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। सूरह कहफ जिन्होंने नहीं पढ़ी वो कंप्लीट कर लें, और क्लास का क्रक्स ये है कि जितना अल्लाह से ताल्लुक मजबूत से मजबूत बनाएंगे, जितना अल्लाह ताला को अपनी लाइफ में लाते जाएंगे, अलाउ करते जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अल्लाह सुबहाना व ताला किसी पे फोर्स नहीं करते, ही इज़ देयर फॉर यू। आप उनका डोर नॉक करें, हिज डोर इज़ ऑलवेज ओपन। आप अल्लाह के पास जाएं, अल्लाह ताला को जो है वो जाकर अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के आगे अपनी परेशानियां रखें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, छोटी छोटी मदद भी मांगे, जिस तरह की मदद आप मांगना चाहते हो मांगे। एंड दिस विल नॉट ओनली इंक्रीज योर सेल्फ एस्टीम, बल्कि यू विल सी के मिरेकुलसली आपकी प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड द क्लास। और दुआ का भी वक्त है, इस टाइम स्पेसिफिकली दुआ की कबूलियत का वक्त है। असर से मगरिब एक स्पेसिफिक आवर, एक ऐसा ऐसी जो है वो होती है घड़ी जब दुआ कबूल होती है। तो अपने माँ बाप के लिए बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, लंबी उम्र दे, सेहत दे, ऐसी लंबी उम्र जिसमें वो नेक आमाल करें। अपनी स्पेसिफिक दुआज भी करें, जैसे मेरी एक स्पेसिफिक दुआ, अल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर मुझे हज पर ले जाएं विद फैमिली, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जो है वो हमारे रिस्क में भी बरकत डालें, जितना दें हलाल दें, अच्छा दें, बरकत वाला दें, और अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दें, अल्लाह ताला हमें अचानक आने वाली आफतों से महफूज रखें, अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखें, और अल्लाह ताला हमें हमारी परेशानियों से डील करने की हिम्मत भी दें और हमारे परेशानियां भी ख़त्म कर दें।
और अल्लाह ताला जो है वो हमें अपने से ताल्लुक़ मजबूत करने की भी तौफीक दें। आमीन सुम्मा आमीन विद दिस। टेक केयर, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर बीइंग विद मी, एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।